अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम हमने क्या किया था आपको याद है? नहीं याद? क्यों नहीं याद? हमने तो किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या किया था प्यारे बच्चों? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको याद है कि हम लोगों ने लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी कंडीशंस की थी, उसमें क्या क्या था, उसमें कैसे कैसी चीजें थी? क्या आपको याद है? क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं लिविंग थिंग की? ओ, एक एग्जाम्पल, एक मिसाल दे दीजिए लिविंग थिंग की और एक नॉन लिविंग थिंग की। हमने प्रैक्टिस की थी ना लिविंग थिंग, बताइए बताइए कि कौन सी होती है। क्या ये कैट लिविंग थिंग है? यस, ये लिविंग थिंग है ना, ये लिविंग थिंग है। हाँ भाई हाँ, ये लिविंग थिंग है। चलें अब देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ते हैं। अरे ये कौन है? ये तो क्रैब है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई आप हमें बता सकते हैं कि व्हाट इज अ लिविंग थिंग। कह रहा है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि लिविंग थिंग क्या होते हैं? तो आए हम उनको बताएंगे लिविंग थिंग क्या करते हैं। लिविंग थिंग क्या होते हैं? वो सांस ले सकते हैं, देखें ब्रीथ, है ना भाई, देखें ब्रीथ। इसके अलावा लिविंग थिंग क्या कर सकते हैं? देखें ग्रो, है ना भाई, देखें ग्रो। इसके अलावा लिविंग थिंग क्या कर सकते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना। तो हमने क्या देखा कि लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? दे कैन मूव, दे कैन मूव, है ना भाई। लिविंग थिंग्स की तीन क्वालिटीज तो हमें याद है, दे कैन ब्रीथ, दे कैन ग्रो, दे कैन मूव। अब देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। और लिविंग थिंग्स जो है दे कैन ईट, है ना, दे कैन ईट, है ना, यानी कि वो खा सकते हैं। ब्रीथ कर सकते हैं यानी कि सांस ले सकते हैं। ग्रो कर सकते हैं यानी कि वो बढ़ सकते हैं। मूव कर सकते हैं यानी कि वो हिल सकते हैं। ईट कर सकते हैं यानी कि वो यानी कि वो खा सकते हैं। और एक और बात हमने बताई थी कि लिविंग थिंग्स और क्या कर सकते हैं? दे कैन रिप्रोड्यूस। क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस, है ना, वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस, है ना, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे हमने क्या पूछा गया है। अरे ये कौन है? ये तो फॉक्स है। क्या कह रहा है? पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है? कुछ तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कैन लिविंग थिंग्स ग्रो। क्या लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर सकती है? ओ, ग्रो तो कर सकती है, पर कैसे ग्रो कर सकती है ये तो हमें पता ही नहीं है। चलिए आज देखते हैं कि फॉक्स हमारे लिए कौन सी स्टोरी लाया है। देखिए देखिए कौन सी स्टोरी लाया है। ओ, ये कह रहा है कि लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती हैं, लेकिन ये कौन कह रही है? ये तो बटरफ्लाई कह रही है कि भाई लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। अच्छा भाई, कैसे ग्रो कर सकते हैं मिस बटरफ्लाई? क्या आप हमें बताएंगी कि लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो कर सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे ग्रो कर सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अरे वाह, बटरफ्लाई तो हमें बता रही हैं कि वो भाई अपनी लाइफ साइकिल लेके आई हैं। लाइफ साइकिल क्या होती है? ग्रोथ साइकिल भी कहते हैं हम उसे, ठीक है, ग्रोथ साइकिल भी कहते हैं और लाइफ साइकिल भी कहते हैं, यानी कि हमारी जिंदगी किस तरह से बढ़ती है। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ भाई इसका? मुझे तो नहीं समझ में आया। चलिए देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका लाइफ साइकिल का। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? फीमेल बटरफ्लाई लेज एग्स ऑन द लीफ। फीमेल बटरफ्लाई क्या करती है? सबसे पहले एक लीफ पे या पत्ते पे अंडे देती है। क्या देती है भाई? अंडे देती है। तो यानी कि एक फीमेल बटरफ्लाई हमारे पास आ गई, उसने एक लीफ पे अंडे दिए। चले भाई, ये तो लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेज हो गया। लाइफ साइकिल का मतलब होता है क्या? मतलब होता है भाई, लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि कोई भी चीज पैदा होने से लेकर बड़े होने तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बटरफ्लाई क्या करती है? अंडे देती है ना भाई,
अंडे देती है ना, एग्स देती है, उसके बाद क्या होता है भाई? उसके बाद क्या करते हैं कि अंडों में से कैटरपिलर खा आ जाता है। क्या आ जाता है? कैटरपिलर आ जाता है, और वो क्या करता है, वो सारे लीव्स को खाना शुरू कर देता है। उसके आसपास जो लीव्स होते हैं ना, उनको खाना शुरू कर देता है, खप 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 खप। तो इस तरह से वो खाना शुरू कर देता है, खप 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 खप। तो उस तरह से वो खाना शुरू कर देता है। अरे भाई मोटे हो जाओगे, इतने मोटे कैटरपिलर हो, और मोटे हो जाओगे तो क्या होगा? खप 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 खप, मुझे भूख लगी है, मैं तो और भी लीव्स खाऊंगा, खप 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 खप। अरे भाई कैटरपिलर, थोड़ा सा वो करो, हौसला रखो, इतना नहीं खाते, मोटे हो जाओगे। नहीं भाई मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाऊंगा, खप 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 खप। अरे कैटरपिलर तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अरे इतना थोड़ी खाते, अरे नहीं भाई इतना नहीं खाओ, नहीं मैं तो और भी खाऊंगा, खप 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 खप। अरे भाई कैटरपिलर तो बहुत सारा खा गया है। अरे भाई चलिए फिर देखते हैं कैटरपिलर का दूसरे स्टेज पे क्या हुआ। हाय ये कैटरपिलर को क्या हो गया? अरे तुम्हें क्या हो गया कैटरपिलर? मैं जा रहा हूँ, कैटरपिलर ने बोला, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई? अरे ये तुम दरख्त से क्यों लटक गए? नहीं बस मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं सोने जा रहा हूँ। सोने जा रहे हो? सोने क्यों जा रहे हो? अरे नहीं भाई मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा सोने जा रहे हो, लेकिन भाई तुम तो बटरफ्लाई की स्टोरी सुना रहे थे, ये तुम कैटरपिलर क्यों बन गए? ये तुम एग क्यों बन गए? हाँ भाई सबसे पहले क्या होता है कि मेरी मम्मा जो है वो बटरफ्लाई होती है, ठीक है, वो देती है एग्स। चले क्या देती है मुझे तो नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाता हूँ। मेरा नाम कैटरपिलर है, मेरी मम्मा का नाम बटरफ्लाई है, मेरी मम्मा जो है वो एक बटरफ्लाई है, मेरी मम्मा है बटरफ्लाई, मेरी मम्मा बेबीज देती है जिसको बोलते हैं एग्स, ठीक है, उससे मैं निकलता हूँ, मेरा नाम है कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है वो क्या करता है? हाँ भाई बताएं बताएं, वो क्या करता है, वो क्या करता है? वो बहुत सारे लीव्स खाता है, खप 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 खप। कैसे लीव्स खाता है? खप 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 खप, है ना भाई, खप 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 खप, ऐसे करके लीव्स खाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होता है, मैं सोने चला जाता हूँ, सोने चला जाता हूँ। सोने क्यों चले जाते हो भाई? मैं तो सोने ही चला जाऊंगा, उसके बाद मैं सोने चला जाता हूँ और मैं अपनी सिल्क लेकर सो जाता हूँ। सिल्क लेकर, सिल्क क्या होती है? रेशमा, रेशम होती है, उसको बोलते हैं सिल्क। सिल्क लेकर मैं सो जाता हूँ। अच्छा भाई फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि मैं बहुत बड़ी बटरफ्लाई बन जाता हूँ। अरे वाह, यानी कि तुम सिल्क में सो जाते हो और सिल्क में बड़े हो जाते हो और फिर बटरफ्लाई बन जाते हो। हाँ मैं सिल्क में सो जाता हूँ, फिर सिल्क में बड़ा होने लगता हूँ, फिर मैं बटरफ्लाई बन जाता हूँ तो सिल्क से बाहर आ जाता हूँ। अच्छा ऐसा होता है? हाँ ना ऐसा ही तो होता है। तो मतलब तुम जो हो एक मतलब कि कैटरपिलर की तरह हो, निकलते हो, ठीक है, फिर तुम अपने आप को सिल्क में कवर करते हो, इस तरह से अपनी तुम मतलब कि चादर लेके सो जाते हो, फिर तुम पूरी चादर हो जा ले लेते हो, फिर तुम जो है वो बढ़ने लगते हो, फिर तुम जो है वो बटरफ्लाई बनने लगते हो, फिर तुम निकलते हो, फिर तुम जब पूरा निकलते हो तो तुम पूरी बटरफ्लाई बन जाते हो। हाँ आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मेरी मामा एग्स देती है, फीमेल बटरफ्लाई एग्स देती है, उन एग्स से मैं निकलता हूँ। कौन निकलता हूँ? मैं निकलता हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम बटरफ्लाई है, ठीक है, मैं निकलता हूँ। सबसे पहले मेरी मामा एग्स देती है, उसके बाद उससे जो है वो मैं निकलता हूँ। मेरा नाम कैटरपिलर है। जब मैं निकलता हूँ तो मैं बहुत सारे लीव्स खाना स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत सारे लीव्स खाता हूँ, बहुत सारे लीव्स खाता हूँ। पता है कैसे खाता हूँ? कैसे खाते हो? खप 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 खप, ऐसे करके मैं सारे लीव्स खा लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है, मुझे नींद आने लगती है, तो मैं अपनी सिल्क लेकर सो जाता हूँ। जब मैं सिल्क लेकर सो जाता हूँ तो मैं अंदर ही अंदर बढ़ने लगता हूँ, ग्रो करने लगता हूँ। अच्छा तुम ग्रो करने लगते हो? हाँ मैं ग्रो करने लगता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ? फिर मैं एक प्यारी सी बटरफ्लाई बन जाता हूँ। अरे वाह चलो
चलो अब हम तुम्हें बताते हैं तुम क्या करते हो। चलें ठीक है, आप बताइए। भाई सबसे पहले आपकी फीमेल बटरफ्लाई होती है, वो घूमती फिरती है, बहुत जगह घूमती फिरती है। उसके बाद वो एक एग्स देती है। जब वो एग्स देती है तो उससे जो है वो एक कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर क्या करता है, बहुत सारे लीव्स खाता है। जब वो लीव्स खाता है तो वो मोटा हो जाता है। जब वो मोटू मोटू हो जाता है तो वो थक जाता है। फिर वो जाके सिल्क में जाके सो जाता है। फिर उस सिल्क में से वो बटरफ्लाई बन जाता है। अरे हाँ, आप तो समझ गए सारा कुछ। वेल डन, वेरी गुड। आपको मिलता है एक स्टार। क्या मिलता है भाई आपको? मिलता है एक स्टार, ऐसे करके स्टार, है ना? क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।